क्या बात है, दिल्ली में बर्फ पड़ रही है, देख रहे हो आप, पूरे बहुत ठंडी है यार। हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही है, ठंड आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने सोचा इस ठंड को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बर्फ़ बनाना। हाँ जी, बर्फ़ बनाना, सही सुना आपने। और उसके लिए हमें चाहिए होगा ये पैम्पर, कोई भी बच्चों का डायपर कर सकते हो आप इसके लिए यूज़, और थोड़ा सा पानी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको पहले आपको फाड़ना है। और इसके अंदर से ये आप देख रहे हो नीचे पाउडर ये गिर रहा है, ये है पॉलीमर। और ये पॉलीमर का मेन काम क्या होता है, पानी को सोखना। सो इसको हमें सारा जमा कर लेना है, जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हो। इसके अंदर कॉटन भी होती है, कॉटन ही चाहिए, हमें चाहिए पॉलीमर। तो बेसिकली डायपर का काम क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कहाँ पॉटी कहाँ सुसु करना है। सो डायपर जब उनको पिनाते हैं ना, तो जो सुसु पॉटी करते हैं तो पॉलीमर और ये कॉटन मिलके ना उसको अब्जॉर्ब, अच्छी खासी मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ता उनको इसलिए कोई इशू भी नहीं होता और उनको ठंडा ठंडा ऐसा कुछ गीला गीला लगता भी नहीं है। सारा पानी अब्जॉर्ब करने का खेल ये पॉलीमर और ये कॉटन का है। जहाँ तक हो सका है हमने निकाल दिया है। अब इस कॉटन में से भी थोड़ा, कॉटन में से भी निकाल के कॉटन अलग कर देते हैं। असली लगती है दादा ये तो मेरा भी। अब जहाँ तक हमसे हुई, हमने कॉटन हटा दिया, अभी इस पॉलीमर को थोड़ा जमा कर लो, थोड़ी बहुत कॉटन भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अब ये सारा हम पे हो गया है पॉलीमर जमा, और स्टार्टिंग करते हैं हम इस पॉलीमर को, इस ग्लास में भरते हैं। तो ये हमने एक ग्लास में पॉलीमर भर लिया है। सो आइए अब थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर, ये पॉलीमर, ये नॉर्मल वाटर है, उसे डालते हैं पहले, अभी और डालते हैं। ये देखिए बर्फ़ आपकी बन के तैयार है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं, देख रहे हो आप। थोड़ा ज़्यादा डाला, देखिए अभी पानी है, पानी 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 पानी, और ये अब बन गई बर्फ, ये देखिए। तो इसमें एक ये डायपर के उसमें हमने लगभग ये पूरी बोतल हम डाल देंगे, देखते हैं। पानी है अभी भी, पानी पानी पानी, और ये बर्फ। अब थोड़ा सा और डाल देते हैं, अब ज़्यादा हो गया है शायद, अब देखते हैं क्या होता है। पानी अभी भी, और ये पूरी
छोटी बोतल का पानी इस पॉलीमर ने एब्जॉर्ब कर लिया है और बर्फ़ जैसा लग रहा है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। पर ये बर्फ़ ठंडी नहीं है और ये आप शिकंजी में डालने की भी ना सोचना, बस ये बर्फ़ जैसी फेक बर्फ़ बोल सकते हो आप इसे, आप अपने प्रोजेक्ट या कहीं यूज़ कर सकते हो। ये देखिए आपकी बर्फ तैयार है। सो ये आपकी बर्फ़ तैयार है। अभी तो हमने एक डायपर का करा था, तो अगर हम अभी इतने सारे हैं 4-5 डायपरों का के साथ करके देखें तो कितनी सारी बर्फ़ बनती है, ये भी ट्राई करते हैं। तो इतने सारे डायपर हमने ये खाली करके इनका पॉलीमर निकाल लिया है और ये है उनकी कॉटन, और वैसे आप कॉटन भी डाल सकते हो इसमें। और ये जो आइस है ना, इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप आर्टिफिशियल मतलब ऐसी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो और ये पिघलेगी नहीं, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो आइए अब इस पॉलीमर में थोड़ी ज़्यादा आइस बना के दिखाते हैं। सो ये आपकी होममेड बर्फ़ देख रहे हो आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो और ये पिघलेगी भी नहीं और थोड़ी चीप बर्फ़ भी है। और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी खुराफाती आइडिया दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बर्फ़।